अस्सलामु अलैकुम व्यूअर्स, आज एक नई वीडियो के साथ मैं सबा हाजिर हूँ। आज आपको केमिस्ट्री लिखा नज़र आ रहा है और नीचे आपको सामने टॉपिक नज़र आ रहा है, वो है पीरियोडिक टेबल। मैंने सोचा काफ़ी दिन हो गए वीडियो बनाई नहीं पीरियोडिक टेबल के ऊपर। पीरियोडिक टेबल को जैसे हम बड़ी क्लासेस में जाते हैं तो हमें पीरियोडिक टेबल को याद करने में बहुत मुश्किल पेश आती है। आज मैं आपके साथ एक ऐसी ट्रिक शेयर करूंगी जिससे आप पीरियोडिक टेबल को के जो इतने भी एलिमेंट्स हैं ग्रुप में, आप उन्हें इजीली याद कर सकते हैं। मेनली हमें जब पीरियोडिक टेबल के मतलब के जो ग्रुप्स के एलिमेंट्स हैं उनके अटोमिक नंबर या अटोमिक मास फाइंड करने में जब हमें प्रॉब्लम आती है, इसलिए हमें बेहतर है कि हम उनकी ऐसी मतलब के तरतीब याद कर लें जिससे हमें उनके अटोमिक नंबर्स को याद करने में आसानी हो, जो कि हमें आगे फर्दर हमारे फार्मूलाज में जब हमने अटोमिक मैसेज फाइंड करने हों, जब हमने आगे उन्हें सॉल्व करना हो तो हमें प्रॉब्लम ना हो। तो आज मैं आपके साथ एक ऐसी ट्रिक शेयर करूंगी जिससे आप तमाम इजीली अपने मतलब के जो भी आपको क्वेश्चन होगा आप उसे सॉल्व कर लेंगे। ये अगर आप मेरा लेक्चर देखेंगे तो मैं 100% श्योर हूं कि आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। चलें अब वक्त ज़ाया किए बगैर अपने लेक्चर का मैं आगाज करती हूँ। अब हम स्टार्ट करते हैं पीरियोडिक टेबल के सबसे पहले किन से, ग्रुप्स से। ग्रुप्स की मैं आपको सबसे पहले वो बताऊंगी, निमोनिक्स बताऊंगी जिससे आप इजीली याद कर सकते हैं ग्रुप्स को। पीरियोडिक टेबल में अगर हम ग्रुप्स देखें तो हमारे पास ग्रुप्स कितने आ जाते हैं, हमें टोटल 8 ग्रुप्स मेन है जिनको हमें एटॉमिक नंबर को याद करना जरूरी है। सबसे पहले आज मैं फर्स्ट ग्रुप का पहले एलिमेंट्स के बारे में बताती हूँ। अगर हम फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट्स को देखें तो हमारे पास कौन कौन से आ जाते हैं। फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट्स में सबसे पहले हमारे पास आ जाएगा हाइड्रोजन, देन हमारे पास आ जाएगा उसके बाद हाइड्रोजन के बाद लिथियम। मैं अब इसके बस शॉर्ट फॉर्म्स लिख रही हूँ, लिथियम। लिथियम के साथ हमारे पास उसमें आ जाएगा सोडियम, सोडियम के बाद आ जाएगा हमारे पास पोटाशियम, पोटाशियम के बाद हमारे पास आ जाएगा रुबेडियम, रुबेडियम के साथ हमारे पास आ जाएगा सीजियम, और सीजियम के बाद हमारे पास आ जाएगा फ्रेंसियम। अब अगर हमें इसके मतलब कि इस ग्रुप की पोजीशन याद करना हो तो कि हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, रुबेडियम, सीजियम, फ्रेंसियम, ये हमारे लिए कितनी मुश्किल हो जाएगी। इसके लिए मेरे पास अब आपके लिए एक निमोनिक है, ऐसा निमोनिक जिससे आप ये जो भी जितनी आपको ये लाइन है आप उसको ईजिली कर सकेंगे। ये निमोनिक मेरा एक पोइट्री से रिलेटेड है, जिससे कि आपको याद होगा एक हमारे प्रीवियस पोइट है, उर्दू पोइट है हाली, तो उसी से मैं कर लेती हूँ कि हाली ने, हाली ये देखें हा, ये लिथियम के लिए हाली ने की रब से फरियाद। ये देखें कितना इजी निमोनिक है, हाली फॉर हाइड्रोजन, ली फॉर लिथियम, एन फॉर सोडियम, पी फॉर ये की फॉर पोटाशियम, रुबेडियम के लिए हमारे पास रब आ जाएगा, सीजियम के ये लिए रब से की फरियाद। देखिए कितना इजी निमोनिक है, और आप इससे जो ये ग्रुप है आप इसका इजीली तरतीब वाइज एलिमेंट्स को याद रख सकते हैं। अब सेकंड ग्रुप हम करते हैं डिस्कस, पहला ग्रुप हमारे पास हो गया, अब सेकंड ग्रुप हम डिस्कस करेंगे। सेकंड के हमारे पास एलिमेंट्स आ जाते हैं बेरिलियम, देन ये देखिए सेकंड के हमारे पास एलिमेंट्स आ जाएंगे बेरिलियम, देन मैग्नीशियम, बेरिलियम मैग्नीशियम के बाद कैल्शियम, कैल्शियम के बाद स्ट्रोनेशियम, स्ट्रोनेशियम के साथ हमारे पास आ जाएगा बेरियम, और बेरियम के बाद आ जाएगा रेडोन, बेरियम के बाद हमारे पास आ जाएगा रेडियम। ये देखिए ये एलिमेंट्स हो गए। अब इसका भी बहुत अच्छा है, मतलब कि इतना इजी निमोनिक है कि आप इजीली याद कर देंगे। मुझे जब FSC में खुद जब प्रॉब्लम हुई थी तो ये मैंने निमोनिक इसी निमोनिक के तरीके से याद किया था और मेरे क्वेश्चन इजीली सॉल्व हुए थे। इसमें बेरिलियम में आ जाएगा बे, MG हमारी ना पंजाबी लैंग्वेज में कहते हैं भैंस को मज, बे मज का सर ब रा, ये देखें बे मच का सर बरा। देखिए केमिस्ट्री को भी आप इंटरेस्टिंग जब बनाएंगे तभी आपसे केमिस्ट्री इजीली आप केमिस्ट्री को लर्न कर सकते हैं। अब ये हमारे पास ग्रुप 2 हो गया, अब आगे हम डिस्कस करेंगे ग्रुप 3 के, ग्रुप 3 के कौन कौन से एलिमेंट्स इंक्लूड हैं। ग्रुप 3 के हम एलिमेंट्स देखते हैं, ग्रुप 3 के एलिमेंट्स में हमारे पास आ जाएंगे
बोरोन, देन उसके बाद हमारे पास आ जाएगा एलुमिनियम, एलुमिनियम के साथ हमारे पास उसमें आ जाएगा गैलियम, गैलियम के बाद हमारे पास आ जाएगा इंडियम और टाइटेनियम, इंडियम और टाइटेनियम। अब इसके लिए मेरे पास निमोनिक है, वो भी बहुत ही मजे का निमोनिक है। उसके लिए अब हम निमोनिक यूज करेंगे भाई, भाई ये देखें, बी फॉर भाई, एस एल से भाई अली, जी ए गया, आई से इंडिया, भाई अली गया इंडिया, और टी से थाईलैंड, भाई अली गया इंडिया थाईलैंड। ये देखिए कितना इजी निमोनिक, और आपका जो एलिमेंट्स हैं वो इजीली इजीली आप लोग याद कर सकते हैं। अब उसके बाद हम थर्ड ग्रुप देखते हैं कि थर्ड ग्रुप के फोर्थ ग्रुप देखते हैं कि फोर्थ ग्रुप के एलिमेंट्स कौन कौन से हैं जिन्हें हम इजीली लर्न कर सकते हैं। फोर्थ ग्रुप के हम देखें तो उसमें एलिमेंट्स आ जाते हैं कार्बन, देन इसमें आ जाएगा आगे सिलिकॉन, देन आ जाएगा हमारे पास जर्मेनियम, फिर हमारे पास इसमें आ जाएगा कार्बन हो गया, सिलिकॉन हो गया, जर्मेनियम हो गया, फिर इसमें आ जाएगा एसेंटिन, और फिर हमारे पास लास्ट आ जाएगा इसमें लेड। ये अब आपको ये जो जो फोर्थ ग्रुप है, फोर्थ ग्रुप के एलिमेंट्स आपको नजर आ सामने आपके नजर आ रहे हैं कि कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन, लेड। अब इसका जो निमोनिक है वो तो सबसे ही ज्यादा इजी है। ये आपको ऐसे कार्बन, सिलिकॉनियम, जर्मेनियम, टिन, लेड, ये ग्रुप फाइव का एलिमेंट है, याद करने में कितनी मुश्किल होगी। इसके लिए मेरे पास बहुत ईजी निमोनिक है, वो आएगा सस्सी जी, सस्सी सस्सी, ये देखिए कार्बन से सस्सी जी, सिंध पंजाब। ये देखें केमिस्ट्री आपके लिए अब तो एक खेल बन गया है, इतने इजी, इतने इजी। अगर आप ये मतलब के निमोनिक्स को यूज करके एलिमेंट्स को याद करेंगे तो पीरियोडिक टेबल आपके मतलब कि आप इजीली उसे याद कर सकते हैं। आज मैंने आपको पहले चार ग्रुप्स के जो पहले चार ग्रुप्स हैं इनके मैंने आपको निमोनिक्स बताए हैं। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके साथ अगले ग्रुप के एलिमेंट निमोनिक्स शेयर करूंगी। आई होप दैट अगर आप ये टेक्निक यूज करके अगर आपने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फाइंड करनी है, आपने मतलब के एलिमेंट्स के एटॉमिक मैसेज को हम क्वेश्चंस में यूज करते हैं, न्यूमेरिकल में यूज करते हैं, जब आपको सॉल्व करने पड़ेंगे अगर आप ये टेक्निक यूज करेंगे, आई होप दैट आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया करें, मेरी वीडियोस को लाइक करें। अगर आप मेरी वीडियोस को लाइक करेंगे तो मैं फ्यूचर में आपके लिए ऐसी अच्छी वीडियोस बनाती रहूंगी। ओके, हल्ला, अल्लाह हाफिज़, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।